गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप लोग बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे कि इंटर लेवल का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें ज्योग्राफी के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, है ना। तो देखिए, जैसा कि सिलेबस में आपको दिया हुआ होगा, भूगोल आप लोग को पढ़ना है और उसमें भी विशेष प्रकार से भारत के संदर्भ में ऐसा दिया हुआ है। लेकिन आप ये बात समझ लीजिए कि कुछ चीज़ें जो होता है उसको स्किप नहीं किया जा सकता है, ठीक है। कुछ चीज़ों का आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो जो एस्ट्रोनॉमी वाला पोर्शन है उसका जो पार्ट है, अक्षांश, देशांतर, पृथ्वी की गति और उसके बाद ब्रह्मांड, ये सब थोड़ा सा मोटा मोटी जानकारी आपको होना ही चाहिए। तो उसको करेंगे, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले इसी की बात करते हैं। आपके स्क्रीन पे चल रहा होगा, देख रहे हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये दो बच्चे हैं और कुछ कुछ सवाल कर रहे हैं, ठीक है। तो ज्योग्राफी की शुरुआत भी सवाल से होती है, व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ, है ना। तो ज्योग्राफी की शुरुआत ही होती है व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ, मतलब क्या है, कहाँ है, क्यों, यही तो सबसे बड़ा सब है, और कैसे, ठीक है। ये इसकी बात की जाती है। तो ये दो हैं, एक ये और एक ये देख रहे हैं और आकाश को देख रहे हैं, ठीक है। ये आकाश को देख रहे हैं, कुछ सवाल कर रहे हैं कि ये जो हम देख रहे हैं ये क्या है। तो ये आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा होगा, तारे, है ना। तो आपके चारों ओर जो फैला हुआ, जो भी आप आँख उठाकर देखते हैं, उसको अंतरिक्ष कहा जाता है, स्काई कहा जाता है, ठीक है। और इसका जो नीला कलर है किसके कारण है, तो धूल कण के स्कैटरिंग होने के कारण, ठीक है, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ सेलेक्टिव सोलर रेडिएशन। धूल कण जो एटमॉस्फेयर में है, एटमॉस्फेयर मुख्य रूप से तीन चीज़ से बना है। यदि वायुमंडल की बात करते हैं तो वायुमंडल मुख्य रूप से तीन तत्व से बना है, तीन तत्वों से। सबसे पहला इसमें गैसेस है, विभिन्न प्रकार की गैसें होंगी। दूसरा आपका जलवाष्प है, वाटर वेपर है, जलवाष्प है, और तीसरा है आपका धूल कण है। तो जो ये दिखाई पड़ रहा है नीला किसके कारण, तो सेलेक्टिव स्कैटरिंग ऑफ सोलर रेडिएशन, सूर्य की जो किरणें हैं उसके स्कैटरिंग के कारण, बिखराव के कारण ही आपको आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। तो जो भी आपको आकाश में दिखाई पड़ रहा है, आपके आसपास जो चारों तरफ फैला हुआ है, जो भी आकाश में ग्रह, नक्षत्र, तारा, ठीक है, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह जो भी दिखाई पड़ा, उसका नाम क्या रखा गया, ब्रह्मांड। उसको क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहा जाता है। और ब्रह्मांड पे भी, ब्रह्मांड यदि उसकी बात करें तो आपको एक चीज़ दिखाते हैं, ठीक है। पृथ्वी हम लोग पढ़ते हैं ना, उसमें हम एक चीज़ और आपको दिखाते हैं। ये रहा आपका, ये देखिए, ये डायग्राम आपको दिखाई पड़ रहा होगा, आप कहाँ हैं और सोलर सिस्टम कहाँ है, ठीक है। आप कहाँ हैं, यूनिवर्स, देखिए सबसे बड़ा यूनिवर्स, ये देखिएगा सबसे बड़ा क्या है, ये देखिए आपका यूनिवर्स, ये यूनिवर्स, यूनिवर्स में क्या है, तो मिल्की वे, यूनिवर्स में मिल्की वे गैलेक्सी, गैलेक्सी है, ठीक है, यूनिवर्स है, गैलेक्सी है। गैलेक्सी के अंतर क्या आता है, सोलर सिस्टम आया, ठीक है। सोलर सिस्टम में क्या है, अर्थ है, अर्थ में क्या है, हम हैं, ठीक है, ये हम हैं। तो इस प्रकार से आपका चारों ओर जो सबसे बड़ा इकाई के रूप में जिसे मानते हैं, जिसमें सूर्य, चंद्रमा, तारा, ग्रह, नक्षत्र, गैलेक्सी सब कुछ शामिल है, उसको क्या कहते हैं, उसे ब्रह्मांड कहा जाता है, ब्रह्मांड, ठीक है। तो सबसे पहले यदि बात करते हैं तो ब्रह्मांड का ही स्टडी करते हैं, ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं। उसके बाद ब्रह्मांड क्या है, तो कैसे उत्पत्ति हुई है, इसकी कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। ब्रह्मांड का जो अध्ययन है, ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो आपसे सवाल पूछा ही जाएगा, ठीक है, उसके अलावा आपका काम नहीं हो सकता है, वहाँ से सवाल रहता है। कुछ कुछ पिन पॉइंटेड जो सवाल रहेगा उसको भी हम बताएंगे, ठीक है। इसके अलावा आता है आपका एस्ट्रोनॉमी,
एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी खगोल विज्ञान, खगोल विज्ञान कहा जाता है। अब खगोल विज्ञान के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं, देखिए कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत इतना अध्ययन किया जाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है इसके बारे में कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, ब्रह्मांड विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। लेकिन अब बात करें खगोल विज्ञान क्या है, तो आकाशीय पिंडों का अध्ययन करता है, आकाशीय पिंडों की संरचना और विशेषता का अध्ययन करता है, कि संरचना एवं विशेषता का अध्ययन करता है। ठीक है, विशेषता का अध्ययन है कौन सा, खगोल विज्ञान अध्ययन है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा आता है ज्योग्राफी, फिर आता है ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी के अंतर्गत फिर आगे चीज़ों को देखते हैं। तो बिना इसके आप नहीं कर सकते, उसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। फिर उसमें ज्योग्राफी के अंतर्गत आपका विश्व भूगोल और भारत भूगोल, तो आप लोग को भारत के संदर्भ में कुछ कुछ देखना है, कुछ विश्व के बारे में भी, आसपास की घटनाएं जो घटित हो रही है या फिर जो भी घटित हुई है उसके बारे में कुछ कुछ बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए, एक ओवरव्यू आपके पास होना ही चाहिए, तो उसी को हम लोग देखेंगे। तो चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। हाँ ठीक है, हम लोग देख लेते हैं उसको भी, बाकी हम इसकी भी चर्चा आगे करते रहेंगे। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट मैटर पे चले, यहाँ आइए, एक एक चीज को हम लोग देख लेंगे। देखिए जनरल ज्योग्राफी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई भी एग्जाम यदि आप पढ़ते हैं, सामान्य बातें आपके पास, आपको जानकारी होना ही चाहिए। ठीक है, नाम है मेरा जीके जीएस, जनरल नॉलेज गौतम कुमार जीएस, गौतम सर, ठीक है, ज्योग्राफी सर, ये याद रखिएगा। अब देखिए सामान्य परिचय की बात करें, सामान्य परिचय में ज्योग्राफी शब्द की बात करते हैं, तो अंग्रेजी का जो ज्योग्राफी शब्द है कहाँ से लिया गया है, तो लैटिन भाषा से लिया गया। ठीक है, लैटिन भाषा का शब्द है, दो शब्द लैटिन भाषा के दो शब्द से बना है, पहला शब्द है जियो, दूसरा शब्द है ग्रेफी। इसका मतलब शाब्दिक अर्थ बात करें कि ज्योग्राफी का क्या शाब्दिक अर्थ होगा, तो यह दो शब्दों से बना है जिसमें जियो का मतलब होता है पृथ्वी। देखिए जियो का मतलब क्या है, पृथ्वी है, और ग्रेफी का मतलब क्या है, अध्ययन है, और ग्रेफी का मतलब अध्ययन है। तो भूगोल का शाब्दिक अर्थ यदि बात करें, भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो पृथ्वी का अध्ययन है, तो हम लोग पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अलग अलग डिसिप्लिन है, उसकी अलग अलग चर्चा हम करेंगे। ठीक है, आगे बात करें, सर्वप्रथम ये सवाल रहता है कि सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग किसके द्वारा, देखिए यूनान के विद्वान थे इराटोस्थनीज के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ज्योग्राफी शब्द, भूगोल शब्द, देखिए भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, तो सबसे पहले यूनान के विद्वान इराटोस्थनीज के द्वारा किया गया था, और इन्हीं के द्वारा सबसे पहले विषुवत रेखा की लंबाई का मापन का कार्य भी किया गया था। तो यहाँ पे दो सवाल रहेगा, सबसे पहला सवाल है कि भूगोल शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो भूगोल शब्द का प्रयोग इराटोस्थनीज के द्वारा किया गया था। कहाँ के विद्वान थे, तो यूनान के विद्वान थे, ग्रीक लोगों के द्वारा किया गया था। ये भी सवाल पूछा जाता है कि इसमें योगदान सबसे पहले कौन देते हैं, तो ग्रीक लोगों का योगदान बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आगे आपसे सवाल रहेगा कि विषुवत रेखा की लंबाई मापने का कार्य सबसे पहले किसने किया था, तो वो भी इराटोस्थनीज के ही जिम्मे जाता है, उन्हीं का योगदान है, उन्हीं के द्वारा किया गया था। अब बात करते हैं विषुवत रेखा, तो ये काल्पनिक रेखा है। विषुवत रेखा क्या है, तो काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। विषुवत रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, इसके ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध, एक गोला उसका आधा, ठीक है, गोलार्ध, और इसके निचले भाग को क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है, दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। तो विषुवत रेखा वैसी काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। इसका वैल्यू कितना होता है, तो इसका वैल्यू 0 डिग्री होता है। ठीक है, इसका वैल्यू कितना है, 0 डिग्री है। अब हम लोग कहाँ पे हैं, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है, याद रखिएगा। भारत कहाँ पे है, तो भारत की अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, तो याद रखिएगा, भारत की अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध में, अक्षांशीय दृष्टिकोण से यदि बात करें, अक्षांश की बात करेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, आगे बढ़े, एक सवाल रहेगा कि भूगोल का पिता है ना, भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, तो भूगोल का पिता हिकैटियस को कहा जाता है। ठीक है,
भूगोल का पिता हिकैटियस को कहा जाता है, तो ये याद रखिएगा, हिकैटियस, हिकैटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है, ठीक है, हिकैटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है। इनकी जो पुस्तक थी जिसमें इन्होंने भूगोल का वर्णन किया था या पृथ्वी के बारे में बताया था, उसका नाम है जसपेरिडियस। तो ये याद रखिएगा, यहाँ से सवाल रहता है, बुक से सवाल रहता है, आपको भी पता है कहीं कहीं से बुक से भी सवाल पूछ दिया जाता है। तो इसकी जो पुस्तक है किनकी, तो हिकैटियस की पुस्तक है जसपेरिडियस, जिसमें इन्होंने पृथ्वी के बारे में अध्ययन किया था, पृथ्वी के बारे में लिखा था। आगे अब आप देखिएगा ना, तो भूगोल की शुरुआत जो है यात्रा वृतांत से होती है, ठीक है, यात्रा वृतांत, जर्नी, कहीं पे आप गए और उसके बारे में जो लिखे उसी से शुरुआत होती है भूगोल की, ठीक है। तो यात्रा वृतांत से ही शुरू होती है, और आपको पता है कि ज्ञान का स्रोत क्या है, वेद पुराण, उसके बाद साहित्यिक स्रोत से ही सारा कुछ ये निकला है। तो याद रखिएगा, भूगोल की शुरुआत जो है यात्रा वृतांत से ही होती है। ये लोग कहीं कहीं जाते थे, उसको लिखते थे, उनको क्या कठिनाई हुआ, क्या मिला, ठीक है, क्या क्या देखे, वो लिखते थे। आप भी डायरी मेंटेन करते थे, करते हैं, और कोई, कुछ लोग नहीं करते हैं उसकी बात नहीं करते, सामान्य लोग करते ही हैं, कुछ भी होता है वो लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो है डायरी लिखते थे, उसी को एक ग्रंथ के रूप में लिख दिए, उसको जसपेरिडियस के नाम से जाना जाता है। तो इनकी जो ग्रंथ है वो जसपेरिडियस है, ठीक है। आगे हम लोग बात करें आगे कि जर्मन भूगोल बेता अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, देखिए वॉन हम्बोल्ट के बारे में पूछा जाता है, वॉन हम्बोल्ट कहाँ के हैं, जर्मनी के हैं, जर्मन भूगोल बेता वॉन हम्बोल्ट तथा कार्ल रीटर, दोनों जर्मन हैं, ठीक है, कार्ल रीटर और हम्बोल्ट दोनों जर्मन हैं, एक दूसरे के समकालिक हैं, ठीक है, एक दूसरे के समकालिक हैं और एक दूसरे की आलोचना भी करते हैं, ठीक है। और आप जान लीजिए, आपका आलोचना हो रहा है इसका मतलब आप तरक्की पर जाइएगा, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे की आलोचना करते हैं, और यदि ये अलेक्जेंडर हम्बोल्ट बोलते भी हैं कि मेरा प्रसिद्धि नहीं होता यदि कार्ल रीटर नहीं होते, ठीक है, तो आलोचक का होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा इन दोनों को सम्मिलित रूप से आधुनिक भूगोल का पिता कहा जाता है। तो आपसे सवाल रहेगा, आधुनिक भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, तो आधुनिक भूगोल का पिता कार्ल रीटर और हम्बोल्ट को कहा जाता है। आगे हम लोग चले, हम्बोल्ट के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी उसका नाम कॉस्मोस है, ठीक है, तो ये भी सवाल आपसे कभी कभार पूछ दिया जाता है। तो हम्बोल्ट की जो पुस्तक है वो है आपका, हम्बोल्ट की पुस्तक है कॉस्मोस, ये याद रखिएगा, हम्बोल्ट के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया, तो हम्बोल्ट ने कॉस्मोस नामक पुस्तक की रचना की, तो कॉस्मोस याद रखिएगा। इसमें इन्होंने क्या बात किया, तो इन्होंने क्रमबद्ध भूगोल की बात की है, इनके द्वारा क्रमबद्ध भूगोल के विकास पर ध्यान दिया गया, तो याद रखिएगा हम्बोल्ट क्रमबद्ध भूगोल की बात करते हैं। आगे बात किया जाता है, जबकि कार्ल रीटर, ठीक है, कार्ल रीटर, इनके द्वारा जो बुक की रचना की गई, पुस्तक की रचना की गई, उनका नाम है अर्डकुंडे। अर्डकुंडे अटपटा लग रहा होगा, कोई बात नहीं, जर्मन शब्द है तो अटपटा लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, कार्ल रीटर ने अर्डकुंडे नामक पुस्तक की रचना की है, और इनके द्वारा प्रादेशिक भूगोल की बात की जाती है, ठीक है, प्रादेशिक भूगोल में ये अपना योगदान देते हैं। तो याद रखिएगा, कार्ल रीटर प्रादेशिक भूगोल में अपना योगदान देते हैं, और हम्बोल्ट जो है क्रमबद्ध भूगोल में अपना योगदान देते हैं। देखिए, प्रादेशिक भूगोल यानी प्रदेश की संकल्पना आती है, ठीक है, प्रदेश, रीजन कहा जाता है, रीजन। सामान्य तौर पर बोला जाता है कि कोई भी वैसा भूभाग जिसमें समानता हो प्रदेश कहलाता है, रीजन कहलाता है, प्रदेश कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, जलवायु प्रदेश आप लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जलवायु प्रदेश, यानी जलवायु में समानता होगा, ठीक है। इसके अलावा क्या कहते हैं, मैदानी प्रदेश, ऊंचा बच में समानता है, मैदानी प्रदेश, ठीक है। इसके अलावा क्या बोलते हैं, पहाड़ी प्रदेश, ठीक है, ऊंचा बच में समानता है, स्थल रूप में समानता है। देखिए, पर्वतीय प्रदेश, जैसे झारखंड क्या है, पठारी प्रदेश है। इसके अलावा और क्या कहते हैं, देखिए एग्जाम्पल में ही है, एग्जाम्पल पठारी प्रदेश बोलते हैं, ठीक है, पठारी प्रदेश। इसके अलावा और क्या कहा, देखिए जनजातीय प्रदेश बोला जाता है, ठीक है, जनजातीय प्रदेश है ना।
एक समान प्रकार के लोग रहते हैं तो जनजातीय प्रदेश कहा जाता है। इसके अलावा और बोलते थे कि भाषा के आधार पे, ठीक है, भाषा के आधार पे भी डिवीजन किया गया। तो भारत का डिवीजन जो है लिंग्विस्टिक आधार पे किया गया है ना, अलग अलग क्षेत्रों में भाषा बोलने वाले अलग अलग भाषी लोग होते हैं, ठीक है। तो पंजाब हो गया, ठीक है, जैसे पंजाब हो गया, इसके अलावा महाराष्ट्र हो गया, तो इस प्रकार से बंगाल हो गया। तो भाषा के आधार पे आप देखते हैं कि वर्गीकरण होता है, तो भाषा ही में समानता दिखेगा। लेकिन भारत क्या है, भारत विविधता का देश है, ठीक है, भारत जो है वो विविधता का देश है, कई प्रकार के भाषा के लोग, धर्म के लोग, ठीक है, इसके अलावा जो है विभिन्न प्रकार के भाषा बोलने वाले, ठीक है, अब धर्म को धारण करने वाले, ये सब एक साथ मिला करते हैं, तो भारत क्या है, विविधता का देश बोला जाता है। और सलाद बॉल कल्चर इसके बारे में बोला जाता है कि एक ही जैसे सलाद एक प्लेट है उसमें कई सारा चीज़ आपको दिखता है, ठीक है, टमाटर भी है, गोभी, टमाटर है, मूली है, ये सब सब सलाद, प्याज काट को सलाद देखते हैं ना, एक ही प्लेट में पड़ा हुआ है, उसी प्रकार से भारत को सलाद बॉल कल्चर के रूप में देखा जाता है कि इसमें अलग अलग तत्व के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषी लोग रहते हैं, ठीक है, इनमें विभिन्नता है, लेकिन तब भी ये भारत के वासी हैं, तो विविधता में एकता भारत की एक विशिष्ट पहचान के रूप में देखी जाती है। आगे हम लोग बात करें, देखिए भूगोल को कैसे आप लोग पढ़िएगा, ठीक है, इसका वर्गीकरण जो सामान्य है, आप लोग को लगता होगा कि सब में एक ही चीज़, जी हाँ, सब में एक ही चीज़ पढ़ना ही है, थोड़ा थोड़ा डिवीज़न होता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, लेकिन पढ़ना तो वही चीज़ है। हम आपको देखिए भूगोल का वर्गीकरण की बात करें, सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, देखिए कॉस्मोलॉजी पढ़ते हैं बाबू, कॉस्मोलॉजी क्या है, तो ब्रह्मांड का अध्ययन है, कॉस्मोलॉजी देखिए ब्रह्मांड का अध्ययन, ब्रह्मांड का अध्ययन है। और ब्रह्मांड क्या है, तो ब्रह्मांड क्या है ये हम आपको दिखाए थे, ब्रह्मांड क्या है ये आपको दिखाए थे, ये आपको जो भी दिख रहा है आकाश को उठा, नज़र को उठाइए, जो भी आपको दिख रहा है क्या है, ब्रह्मांड है, ठीक है, तो वो ब्रह्मांड है, ये याद रखिएगा, जैसे ये दोनों बच्चा देख रहा है ब्रह्मांड को, ठीक है। अब दूसरा जब बात करते हैं कि क्या है, तो दूसरा आपका आता है एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, इसमें क्या कहते हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, कॉस्मोलॉजी में ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का अध्ययन करते हैं, ठीक है, किस प्रकार से हुई है। इसके अलावा आता है एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी खगोल विज्ञान जिसे कहा जाता है, इसमें, ठीक है, इसमें जो है क्या है, आकाशीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है, आकाशीय पिंडों, यहां ब्रह्मांडीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, ब्रह्मांडीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमी आ जाएगा। इसके अलावा एक और देखिएगा, एस्ट्रोलॉजी भी आएगा, एस्ट्रोलॉजी इसको नक्षत्र विज्ञान कहते हैं, नक्षत्र विज्ञान, इसमें क्या है कि विभिन्न ग्रहों का या विभिन्न आकाशीय पिंडों का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है, तो उसका अध्ययन ब्रह्मांड किस किया जाता है, किसके अंतर्गत, एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है। और एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास आप जाते हैं, आप अपना दुखड़ा सुनाते हैं, तो वो बता देते हैं कि क्या पहनिए क्या नहीं पहनिए, ये आपको बताते हैं, ठीक है, तो उसकी भी बात करें। उसके बाद आता है बाबू ज्योग्राफी, अब यहाँ से ज्योग्राफी की शुरुआत होती है, और ज्योग्राफी का दो डिवीज़न आपका देखिए यहाँ पर दिखेगा, एक तो वर्ल्ड ज्योग्राफी आपका है, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है, विश्व भूगोल, और दूसरा है आपका भारत भूगोल। किसी में विश्व भूगोल के बारे में विश्व भूगोल पढ़ना है, किसी में भारत का भूगोल पढ़ना है, इसके अलावा आइए देखिए कार्टोग्राफी भी पढ़ना होता है, ठीक है, स्टडी ऑफ मैप्स, मैप्स के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, तो मैप्स आपको देखना ही पड़ेगा, तो कार्टोग्राफी क्या है, मेकिंग ऑफ मैप्स है, ठीक है, मेकिंग ऑफ मैप्स, उसको कार्टोग्राफी के नाम से जाना जाता है। आगे जब बात करेंगे तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी डिविजन होगा और इंडियन ज्योग्राफी का भी डिविजन होगा, देखिए क्या कैसे कैसे क्या डिविजन होता है। आगे हम लोग बात करें, देखिए फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, यदि सामान्य तौर पर बात करें तो ज्योग्राफी का दो ही डिविजन है, ठीक है, ज्योग्राफी की जब बात करें तो ये जो ज्योग्राफी है इसका दो ब्रांचेज है, एक को बोलते हैं फिजिकल, दूसरा को बोलते हैं ह्यूमन, तो एक ह्यूमन ज्योग्राफी हो जाएगा, एक भौतिक भूगोल हो जाएगा और दूसरा मानव भूगोल हो जाएगा। यहीं पे हम आपको बताते हैं, देखिए विश्व भूगोल और ये है आपका देखिए फिजिकल ज्योग्राफी और ये देखिए मानव
भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। अब फिजिकल ज्योग्राफी में क्या स्टडी करेंगे, तो फिजिकल ज्योग्राफी में जो भी चीजें आप देख रहे हैं, ठीक है, पर्वत, पठार, मैदान, जो भी आसपास है, सबसे पहले आपको क्या दिखाई पड़ता है, चट्टान है। और पृथ्वी का आकार कैसा है, आकार कैसा है पृथ्वी का, तो आकार बोला जाता है स्फेरिकल है, स्फेरिकल, ठीक है, या तो इसी को क्या कहते हैं, मंडलाकार कह सकते हैं, मंडलाकार। लेकिन टेक्निकल टर्म में जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वो जियोइड्स है, तो ऑप्शन में यदि जियोइड्स रहेगा और सब रहेगा तो यही सही होगा, ठीक है, जियोइड्स सही होगा। लेकिन मानने के लिए हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखिए क्या बोल रहे हैं भाई, गौतम सर एन एग्जाम फाइटर, कटाई जहार, वाह। चलिए अब देखिए यहां पे आकार कैसा है, मंडलाकार, और आपको क्या मिलेगा, चट्टान मिलेगा, ठीक है, या स्थल का भाग मिलेगा। स्थल का भाग यदि मंडलाकार लिया तो स्थल मंडल हो जाएगा, सबसे पहले क्या होगा, स्थल मंडल, देखिएगा स्थल मंडल। और क्या है पृथ्वी पर, देखिए जल, जल है, ठीक है, तो जल यदि मंडलाकार लिया तो क्या हो जाएगा, जल मंडल होगा, हाइड्रोस्फेयर होगा, जल मंडल। उसके बाद कुछ नहीं है तो वायु है, कहीं पे कुछ नहीं है तो एटम्स है, ठीक है, वायु है, तो वायु जब आकार लेगा तो क्या बनेगा, वायुमंडल, ठीक है, वायु जब आकार मिल लेगा वायुमंडल, और जहां पे तीनों मिलता है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, जैव मंडल, जैव मंडल। तो इसी का अध्ययन जियोमर्फ भौतिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं, ठीक है, भौतिक भूगोल का अध्ययन इसी के अंत, इसी भौतिक भूगोल के अंतर्गत इसी का अध्ययन करते हैं। देखिए लिथोस्फीयर, भूआकृति विज्ञान, किस प्रकार से पर्वत, पठार, मैदान, झील, झरना का निर्माण हुआ है, इसका स्टडी करते हैं। फिर आपका क्लाइमेटोलॉजी, कहाँ पे किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, वहाँ के लोगों की क्या विशेषता है, कहाँ पे जनसंख्या अधिक है, कहाँ पे कम है, ये सब का स्टडी इसके अंतर्गत किया। सूर्यातप कहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है, कहाँ पे कम मिल रहा है, इसका अध्ययन हम लोग क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, ठीक है। फिर ओशनोग्राफी, जल के विभिन्न स्रोत हैं, आप स्रोत हैं, आपको पता है पृथ्वी पर दो ही भाग है, 71% पर जल है, 29% पर स्थल है, तो जल एवं स्थल का जो वितरण है उसका स्टडी करते हैं, किस किस स्रोत में जल पाया जाता है, जल की विशेषता क्या है, ठीक है, उस जल का जो समुद्र का अध्ययन करते हैं, ठीक है, समुद्र के जल की विशेषता क्या है, मतलब उसका तापमान क्या होता है, इसके अलावा उसकी सैलिनिटी क्या है, इसके अलावा उसका वाटर का मूवमेंट क्या है, उसका उसमें क्या क्या रिसोर्सेस पाए जाते हैं, ये सब का स्टडी ओशनोग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। आगे जब बात करते हैं जैव भूगोल, ठीक है, जैव भूगोल, पृथ्वी पर जीव अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जीव जंतु निवास करते हैं, अलग अलग पेड़ पौधे हैं, ठीक है, उसका वितरण किस प्रकार से है, उसकी क्या विशेषता है, और वह उसी पर्टिकुलर क्षेत्र में, उसी क्षेत्र में क्यों रहते हैं, क्या कारण है, इन सभी का अध्ययन, उनका वितरण किस प्रकार से है, ठीक है, उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, ये सभी का अध्ययन बायोजियोग्राफी के अंतर्गत फ्लोरा एवं फाउना का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, फ्लोरा एवं फाउना का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। अब मानव भूगोल की बात करते हैं, तो भौतिक वातावरण और मानव, ठीक है, भौतिक वातावरण और मानव के बीच क्या सहसंबंध है, इसका अध्ययन करता है, ठीक है, किस प्रकार से मानव अपने भौतिक पर्यावरण को प्रभावित करता है और भौतिक पर्यावरण से प्रभावित होता है, इसका अध्ययन ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। तो मानव का विकास हम लोग पढ़ते हैं, मानव, देखिए ये क्या है, मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप का स्टडी किया जाता है। इसके अलावा देखिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मानव का डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ है, मानव किस प्रकार से विकसित हुआ है पृथ्वी पर, इसका स्टडी किया जाता है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं कि कब कम हुआ है, कब ज़्यादा हुआ, कहाँ पे ज़्यादा वितरित है, कहाँ पे कम है, ठीक है, इसका स्टडी कर लेते हैं। इसके अलावा देखिए पॉपुलेशन और ट्राइब्स की बात करते हैं, ठीक है, वितरण किस प्रकार से, घनत्व कितना है, ठीक है, इसके अलावा उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से, कहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या निवास कर रहा है, इसका कारण क्या है, जैसे मैदानी क्षेत्रों में ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों, फिर पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्रों, पठारी क्षेत्रों में जो दुर्गम हैं, दुर्गम क्षेत्र हैं, वहाँ पे कम जनसंख्या निवास करती है, मतलब वैसा क्षेत्र जहाँ पे मानव के निवास के लिए उपयुक्त दशाएँ हैं, ठीक है, सरलता से विद्यमान है, वहाँ पे मानव ज़्यादा निवास करना पसंद करता है। इसके अलावा दुर्गम क्षेत्रों में मानव कम निवास करना पसंद करता है, ठीक है। तो दुर्गम क्षेत्रों में कौन से लोग रहते हैं, तो जनजातियाँ निवास करती है, ठीक है, तो वैसा समुदाय जिसकी अपनी विशेषता होती है, ठीक है, अपनी विशेषता होती है, जनजातीय कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा क्या, उनका अपना कल्चर होता है, अपना संस्कृति होता है, उनका अपना खान पान का तरीका, उनका अपना जीवन शैली होती है, उनका अपना नाच गान होता है, ठीक है, यानी उनकी विशेषता औरों से अलग है, तो निर्जातीय समूह के नाम से भी वह जानी जाती है। तो सुदूरवर्त जंगली क्षेत्रों में, इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्रों में,
निवास करते, तो जनजातियों के बारे में पढ़ना, जैसे झारखंड की ही बात करें, सर शनि हूं बता बाटो, ठीक है। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जनजाति निवास करते, जैसे झारखंड का ही बात करें तो 32 प्रकार की जनजाति है। 32 प्रकार की जनजाति में 8 जनजातियां जो आदिम जनजाति के नाम से जानी जाती है, सबसे प्राचीन जनजाति, सबसे पुरानी जनजाति क्या है, असुर के नाम, असुर को कहा जाता है। और कौन सी जनजाति है जो जो है लोहा के औजार बनाने में दक्ष हैं, तो असुर जनजाति के बारे में बोला जाता है कि वो जो है लोहा के औजार बनाने में दक्ष हैं, प्राचीन समय से ही उनको ज्ञान था, परंपरागत रूप से उनको प्राप्त हुआ था ज्ञान। तो याद रखें अशोक का, अशोक के काल से ही ये लोग यहाँ पे निवास कर रहे हैं। इसके अलावा मौर्य, इसके अलावा और भी जो जो साहित्यिक स्रोत है उसमें भी इनका वर्णन मिलता है। और अलग अलग क्षेत्रों में झारखंड को क्या कहा गया, कहीं पे कुकुट प्रदेश कहा गया, कहीं पे वन प्रदेश कहा गया, पशु भूमि के नाम से महाभारत में जाना गया। तो ये सब का भी स्टडी आप लोग को कहीं कहीं पूछा जाता है, तो ये तो हिस्ट्री का मैटर बनता है। लेकिन जानते हैं हेरोडोटस जो एक विद्वान थे, हेरोडोटस जिसे इतिहास का पिता कहा जाता है, उनके द्वारा यह बताया गया था कि भूगोल का अध्ययन जो है वो हिस्ट्री के जैसा किया जाना चाहिए तो और सार्थक होगा। तो ज्योग्राफी जो है वो कालिक भी बात करेगा, स्पेशियल भी बात, ठीक है, टेम्पोरल भी बात करता है यानी कालिक की बात करता है, समय की बात करता है, इसके अलावा स्पेशियल भी बात करता है, स्थानिक भी बात करता है यानी किस स्थान पर हुआ और किस समय पर हुआ, दोनों का अध्ययन कर लेता है, ठीक है। तो स्पेशियल साइंस के नाम से जाना जाता है। आवाज साफ नहीं है, ऐसा कैसे सर, देखिएगा तो आवाज साफ नहीं है, दिखवाते हैं भाई आवाज क्यों नहीं साफ रहेगा। आगे हम लोग बात करें, फिर देखें सेटलमेंट्स की बात करते हैं कि अलग अलग जनसंख्या किस क्षेत्रों में निवास कर रही है उसकी बात की जाती है, ग्रामीण क्षेत्रों में, नगरीय क्षेत्रों में। इसकी इसके अलावा देखें अलग अलग जो कार्य हो रहा है, कृषि कार्य हो रहा है, ठीक है, प्राइमरी कार्य हो रहा है, सेकेंडरी कार्य हो रहा है, ठीक है। इसके बाद संसाधन क्या है, कौन कौन से संसाधन है, इसका स्टडी यही तो किया जाता है। इसके अलावा ये तो वर्ल्ड के बारे में, फिर भारत की बात करते हैं तो भाषा में यही चीज़ पढ़ना है। भारत के बारे में भी देखिए क्या है, आपको सामान्य परिचय, सबसे पहले सामान्य परिचय पढ़ना होगा, ठीक है, कि इसकी अवस्थिति कहाँ है। अभी आपको बताए कि उत्तरी गोलार्ध में है, तो अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में और देशांतरीय दृष्टिकोण से यह पूर्वी गोलार्ध में आता है, ठीक है। इसके बाद इसका लोकेशन क्या है, क्या विशेषता है, इसके चारों ओर क्या है, ठीक है, इसकी सीमा कितनी है, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। कुल क्षेत्रफल है यह विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 2.42% है, ठीक है। याद रखिएगा झारखंड भी भारत का कितना है, 2.42% है, झारखंड भी 4.2% है, 42% है, तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा स्थलीय सीमा कितना है, जलीय सीमा कितना है, ठीक है, तो आगे हम लोग बात करें। इसके अलावा क्या पढ़िएगा, तो भूआकृति विज्ञान जहाँ तक बात करें यहाँ पे, तो इस पे क्या पढ़िएगा, यहाँ पे आपको पढ़ना है कि भारत को, भारत का विभाजन पढ़ना है, तो उत्तर में पर्वतीय क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, फिर दोनों तरफ से तटीय क्षेत्र है, इसके अलावा प्रायद्वीपीय पठार है, फिर दोनों तरफ क्या है, आइलैंड्स है, इसका स्टडी करते हैं। फिर देखिए आपका मानसून वगैरह पढ़ना है, ठीक है, वैसी मौसमिक पवने हैं जो ऋतु परिवर्तन के साथ अपनी दिशा बदल लेती है, मानसून कहलाते हैं, तो मानसून को आपको पढ़ना है। इसके अलावा जलवायु के बारे में पढ़ना है, कहाँ पे कौन सी जलवायु है, इसका स्टडी करना है। फिर देखिए समुद्र विज्ञान की बात करते हैं, तो ओशंस की बात करें, रिवर की बात करें, तो भारत के रिवर को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, एक को पेनिनसुलर रिवर बोला जाता है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, दूसरा हिमालय की नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ मौसमी प्रकार की है, जबकि हिमालय की नदियाँ क्या हैं, सदा नीरा है, सालों भर जल भरा रहता है। तो आप देखे होंगे कि दक्षिण गंगा जैसे गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, ठीक है, दक्षिण की गंगा कहा जाता है। फिर कावेरी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है क्योंकि सालों भर उसमें पानी रहता है, ठीक है, एकमात्र ऐसी नदी है जहाँ पे जीवन, एकमात्र ऐसी नदी है जहाँ पे सालों भर जल का देखा जाता है, जल विद्यमान रहता है। कौन सी, कावेरी नदी, दक्षिण भारत की ऐसी नदी है। इसके बारे में आगे हम लोग बात करें,
हाइडल पावर प्रोजेक्ट की भी बात की जाती है, कौन सी परियोजना किस नदी पे हुई है, ठीक है, किस राज्य में है इसकी, इसके बारे में। फिर रीजनल डेवलपमेंट, रीजनल प्लान, इंटरलिंकेज और रिवर की बात की जा रही है कि जो है असमानता जो है जल का, उसको क्या करना है, दूर करना है, तो दूर किस प्रकार से करिएगा, तो दूर करना है कि उत्तर भारत की जो सादा नीरा नदियाँ हैं दक्षिण भारत की नदियों से प्रायद्वीपीय भारत की नदियों से क्या है जोड़ दिया जाए, तो इंटरलिंकेज ऑफ वाटर भी। फिर जैव भूगोल के अंदर क्या कौन सी वनस्पति पाई जाती है, ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति कौन कौन सी है, कौन कौन से जीव जंतु रहते हैं उसका स्टडी करते हैं। बायोस्फेयर, बायो रिजर्व, नेशनल पार्क, ये सब मिट्टी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, ठीक है, उसका संरक्षण कैसे करना है, ये सब स्टडी हम लोग को करना होगा। फिर ह्यूमन ज्योग्राफी, यदि इंडियन के बारे में यदि बात करें, भारतीय भूगोल में यदि मानव भूगोल की बात करें, तो तत्कालिक जनगणना, जनगणना आपको पढ़ना है। फिर जनसंख्या भूगोल में ट्राइब्स वगैरह पढ़ना है। फिर देखिए अधिवास आपको पढ़ना है, नगरीय अधिवास, उसके बाद ग्रामीण अधिवास, कितने क्षेत्र कितना परसेंट में, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा इकोनॉमिक एक्टिविटी, अर्थव्यवस्था तथा आर्थिक क्रियाकलाप, ठीक है, अर्थव्यवस्था तथा आर्थिक क्रियाकलाप। इसके बाद एग्रीकल्चर पढ़ना है, तीन प्रकार के कृषि मौसम होते हैं, रबी, खरीफ, जायद, ठीक है, रबी, खरीफ, जायद, इसमें सवाल रहता है आपका कि जायद की फसल कौन सी है, खरीफ की फसल कौन सी है, रबी की फसल कौन सी है, ठीक है, ये सब सवाल आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा परिवहन व्यवस्था से सवाल रहता है, रिसोर्सेस से रहता है, शक्ति संसाधन से रहता है, ऊर्जा संसाधन से रहता है, और इसके अलावा कल्चर से संबंधित रहता है। तो सबसे पहले आपको हम क्या बताएंगे, एस्ट्रोनॉमी वाला पोर्शन बता देंगे, अछाँद अछाँद ग्रह नक्षत्र करके खत्म करेंगे, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे क्या हो रहा है, आगे हम लोग बढ़ते हैं इसको, ठीक है। आशा करते हैं कि ये सब तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से डिवीजन किया जाता है, कहीं पे इसका इंपॉर्टेंस है, कहीं पे इसका इंपॉर्टेंस है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि इसके बिना इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। भौतिक भूगोल आपको पढ़ना ही पड़ेगा, सामान्य चीज है, इसके बिना आप इसको नहीं पढ़ सकते, इसको समझ में ही नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा कठिनाई होगा, ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, लेकिन कठिनाई होगा आपको, ठीक है। रविंदर सर, आवाज साफ नहीं आ रहा है, देखिएगा तो, ठीक है। तो इसके बिना इसका कोई रोल नहीं है, हम बता दिए हैं, आवाज देख लेते हैं क्या है। ठीक है, तो हम लोग चले सबसे पहले, ठीक है, ये है आपका जो भी आपको दिखाई पड़ रहा है ब्रह्मांड, ठीक है। तो ब्रह्मांड में सब कुछ शामिल है, ब्रह्मांड में सब कुछ शामिल है, क्या क्या शामिल होगा, देखिए सूर्य, हाँ, अरे तो ये झूठ बोल रहा है, देखिए, ठीक, देखिए सूर्य है, पृथ्वी है, सभी ग्रह हैं, ठीक है, ये सभी ग्रह, इन सभी का उपग्रह देखिए, मिरांडा है, एरियल है, ठीक है। इसके अलावा देखिए ये आपका प्लूटो ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, निहारिका, ठीक है, क्षुद्र ग्रह, निहारिका, उल्का पिंड, सभी को शामिल किया जाता है, किसके अंतर्गत, ब्रह्मांड के अंतर्गत। तो याद रखेंगे कि ब्रह्मांड में सभी कुछ शामिल है, आपके आसपास अंतरिक्ष में ग्रह, नक्षत्र, तारे, ठीक है, उपग्रह, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, धूम केतु, कॉमेट्स, ये सभी को शामिल किया जाता है यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में। आगे हम लोग बढ़े, देखिए हमारे चारों ओर जो विस्तृत, हमारे चारों ओर जो विस्तृत बृहद आकाश है, उसको इकाई रूप में क्या कहते हैं, इकाई रूप में ब्रह्मांड कहा जाता है, जिसमें समस्त तारे,
इसमें समस्त तारे उपग्रह क्षुद्रग्रह लैक्स के साथ साथ अन्य सूक्ष्म ग्रह तथा विशालकाय पदार्थ शामिल किए जाते हैं। ब्रह्मांड का कोई भी अंत नहीं है, ठीक है, ब्रह्मांड के आरंभ एवं अंत की कोई सीमा नहीं है, इसकी स्पष्ट जानकारी हम लोग को नहीं है, ठीक है। तो ब्रह्मांड के आरंभ एवं अंत की अभी तक स्पष्ट जानकारी नहीं है, ये इसका अंत जो है आपकी कल्पना, जितनी कल्पना कर सकते हैं उतनी कल्पना कर सकते हैं, जहां आपका कल्पना का अंत होता है वहीं वहीं आपको आप ब्रह्मांड का अंत होता है। आगे, ब्रह्मांड में विद्यमान सभी दृश्य एवं अदृश्य पिंडियों को सेलेस्टियल बॉडी कहा जाता है। तो जो भी आपको दृश्य एवं अदृश्य चीजें दिख रहा है ब्रह्मांड में, उसे आकाशीय पिंड सेलेस्टियल बॉडी कहा जाता है। ये सभी आकाशीय पिंड क्रमबद्ध रूप से सिस्टमैटिक फॉर्म में एक निश्चित दूरी पर एवं मार्ग पर विद्यमान है, ठीक है। इनका अपना निश्चित मार्ग है, इनका अपनी एक निश्चित दूरी है, वो अपने मार्ग पर हमेशा परिभ्रमण करते रहते हैं, ठीक है, और निश्चित दूरी एक दूसरे से बनाए रहते हैं। कभी कभी ये एक दूसरे अपने ऑर्बिट को छोड़ करके या अपने मार्ग को छोड़ करके दूसरे में प्रवेश करते हैं, तो उससे जो है खगोलीय खतरा के नाम से जाना जाता है, डिजास्टर के नाम से जाना जाता है, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल डिजास्टर के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं, लेकिन अब यहाँ पे है कि आइंस्टीन के द्वारा क्या दिया गया था, सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसके द्वारा दिया गया था, तो वह आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था, जिसके अनुसार समस्त स्थान एवं समय, ठीक है, इनके द्वारा बोला गया था समस्त स्थान एवं समय गुरुत्वाकर्षण के कारण एक अदृश्य चक्र के रूप में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आइंस्टीन सापेक्षता का सिद्धांत में यह बताते हैं कि सभी जो है समय और सभी स्थान जो है गुरुत्वाकर्षण के द्वारा एक अदृश्य चक्र से जुड़े हुए हैं, ठीक है, एक अदृश्य चक्र के द्वारा जुड़े हुए हैं और इस चक्रीय व्यवस्था का क्या है, पालन करते हैं और एक दूसरे का चक्कर लगाते रहते हैं। आगे हम लोग बात करें, और ब्रह्मांड के अध्ययन में आगे देखिए, ब्रह्मांड के अध्ययन में इसमें विद्यमान इन्हीं आकाशीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है, तो आकाशीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है। आगे देखिए, खगोल विज्ञान या ब्रह्मांड विज्ञान की बात करते हैं, कॉस्मोलॉजी की बात करते हैं, खगोल विज्ञान ब्रह्मांड के अध्ययन को कहा जाता है, यानी वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है। तो ब्रह्मांड का जो वैज्ञानिक अध्ययन है उसे खगोल विज्ञान का नाम दिया गया है। इसके अंतर्गत ब्रह्मांड की उत्पत्ति का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत ब्रह्मांड की उत्पत्ति का अध्ययन किया जाता है। आगे बात करें, जबकि इसकी संरचना का इसके संरचना के अंतर्गत विद्यमान पिंडों का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें जो विद्यमान पिंड है उसका अध्ययन संरचना के अंतर्गत किया जाता है। आगे, कॉस्मोलॉजी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो सबसे पहले 1730 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। कॉस्मोलॉजी शब्द का प्रयोग 1730 ईस्वी में जर्मन दार्शनिक क्रिश्चियन वुल्फ के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो क्रिश्चियन वुल्फ के द्वारा कॉस्मोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया था। आगे बात करें, एस्ट्रोनॉमी की बात करते हैं, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी नक्षत्र विज्ञान ब्रह्मांड में पाए जाने वाले सभी आकाशीय पिंडों की विशेषता का अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहते हैं। तो नक्षत्र शास्त्र क्या है, तो ब्रह्मांड में पाए जाने वाले आकाशीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है, और इसके अध्ययन करने वाले विज्ञान को नक्षत्र विज्ञान कहा जाता है, नक्षत्र शास्त्र कहा जाता है। आगे, ज्योतिष विज्ञान की बात करते हैं, एस्ट्रोनॉमी की बात करते हैं, चलिए एस्ट्रोनॉमी को देखते हैं। ज्योतिष विज्ञान एस्ट्रोनॉमी आकाश में विद्यमान आकाशीय पिंडों का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करते हैं। तो आकाशीय पिंडों का मानव जीवन पर प्रभाव का अध्ययन किया जाता है एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि सबसे पहले यदि बात किया जाए कि ब्रह्मांड के बारे में सबसे पहले अध्ययन किसके द्वारा किया गया था, तो सबसे पहले अध्ययन ब्रह्मांड के बारे में किया गया था यूनान के विद्वान थे टॉलेमी, ठीक है। तो याद रखिएगा, ब्रह्मांड के बारे में सर्वप्रथम नियमित एवं क्रमबद्ध अध्ययन 140 ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया का विद्वान टॉलेमी के द्वारा किया गया था। इनके द्वारा क्या दिया गया था, जियोसेंट्रिक थ्योरी दिया गया था, ठीक है। जियोसेंट्रिक थ्योरी, इसमें क्या बात करते हैं कि पृथ्वी जो है ब्रह्मांड के केंद्र में है,
सूर्य तथा अन्य आकाशीय पिंड पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, सूर्य तथा अन्य जो आकाशीय पिंड है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। आगे सबसे पहले ये सवाल रहेगा, ठीक है, सबसे पहले ब्रह्मांड के बारे में नियमित अध्ययन किसके द्वारा किया गया था, तो टॉलेमी को याद रखेगा, ठीक है, पी टॉलेमी के द्वारा सबसे पहले अध्ययन किया गया था। उसके बाद इनके द्वारा क्या बताया गया था, तो इनके द्वारा बताया गया था भू केंद्रीय सिद्धांत, जियोसेंट्रिक थ्योरी, जिसमें बताया गया था कि पृथ्वी जो है ब्रह्मांड के केंद्र में है और सभी ग्रह जो है वो पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, आगे 1543 ईस्वी में पोलैंड के खगोल शास्त्री निकोलस कॉपरनिक्स, याद रखिएगा 1543 में कॉपरनिक्स आते हैं और इनके द्वारा बताया जाता है कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है। ठीक है, तो ये जो है जियोसेंट्रिक थ्योरी को क्या करते हैं, नकारते हैं और बताते हैं कि जो पृथ्वी है ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड के केंद्र में क्या है, सूर्य स्थित है। तो ये बताते हैं कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य स्थित है और सूर्य के चारों ओर विभिन्न ग्रह एवं उपग्रह क्या है, चक्कर लगाता है। तो कॉपरनिक्स के द्वारा सबसे पहले यह बताया गया था कि ब्रह्मांड के केंद्र में कौन है, सूर्य है, और सभी ग्रह जो है या उपग्रह जो है वो सूर्य का चक्कर लगाता है। यह बात किसके द्वारा किया गया था, तो यह बात कॉपरनिक्स के द्वारा किया गया था। तो कॉपरनिक्स को खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है, ठीक है, खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है कॉपरनिक्स को। सौर मंडल की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो कॉपरनिक्स के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा कॉपरनिक्स के द्वारा खगोल ये सौर मंडल की खोज की गई थी। इन्हें आधुनिक खगोल शास्त्र शास्त्री भी कहा जाता है, खगोल शास्त्र का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, इटली के खगोल शास्त्री गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया। 1610 ईस्वी में गैलीलियो के द्वारा दूरबीन का आविष्कार होता है 1610 ईस्वी में। ठीक है, 1610 ईस्वी में दूरबीन का आविष्कार किया जाता है और इसके आविष्कार ने इस क्षेत्र में एक नया परिवर्तन ला दिया। और बताया जाता है कि हम देख देख के पढ़ेंगे, ठीक है, आकाशीय पिंडों को देखेंगे और पढ़ेंगे, उसके बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे, तो ये याद रखिएगा। आगे हम लोग बात करें, अठारह सो पांच की बात करते हैं तो ब्रिटेन के वैज्ञानिक जो हैं उनका नाम है विलियम हर्सेल। ठीक है, विलियम हर्सेल टेलीस्कोप की सहायता से अंतरिक्ष का अध्ययन करके बताया हमारा ब्रह्मांड केवल सौर मंडल तक सीमित नहीं है। तो याद रखिएगा हमारा ब्रह्मांड केवल सौर मंडल तक सीमित नहीं है, किनके द्वारा बताया गया, हर्सेल के द्वारा बताया गया था। ठीक है, हर्सेल के द्वारा बताया गया था और ये बताते हैं कि जो सौर मंडल है वो ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है। यानी याद रखिएगा कि हर्सेल के ही द्वारा बताया गया था कि ब्रह्मांड एवं सौर मंडल अलग अलग चीज है, सौर मंडल अलग अलग है, अलग अलग है। ठीक है, ये बोलते हैं कि सौर मंडल क्या है, तो ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है। ठीक है, एक अंश मात्र है। तो ये सवाल पूछा जाता है कि किसके द्वारा कहा गया, तो हर्सेल का नाम याद रखिएगा, एक छोटा सा हिस्सा है सौर मंडल ब्रह्मांड का, ये इनके द्वारा बताया गया था। इसके अलावे 16वीं शताब्दी में, ठीक है, 1609 से 1629 ईस्वी में आते हैं केपलर, ठीक है, जोहान केपलर, ठीक है, जोहान्स केपलर, याद रखिए पूरा नाम है, कभी कभी पूछ देता है, जोहान्स केपलर। इन्होंने क्या किया कि सूर्य केंद्रित संकल्पना का, जो सूर्य केंद्रित संकल्पना था उसका समर्थन किया। तो याद रखेगा ये सवाल रहेगा कि सूर्य केंद्रित संकल्पना का समर्थन किसके द्वारा किया गया था, तो सूर्य केंद्रित संकल्पना का समर्थन केपलर के द्वारा किया गया था और इनके द्वारा ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, इनके द्वारा ग्रहों के गति का प्रतिपादन का नियम प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, इनके द्वारा ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन किया गया था और लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, ग्रहों की गति का नियम क्या है कि समस्त ग्रह सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्ताकार पथ में करते हैं, जिसे कक्षा कहा जाता है। इनके द्वारा बताया गया कि सभी ग्रह जो हैं सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्ताकार पथ में करते हैं, इसे ही ऑर्बिट कहा जाता है। ठीक है, तो ऑर्बिट की बात कौन करते हैं, केपलर के द्वारा ऑर्बिट की बात की गई है। ठीक है, याद रखिएगा कि केपलर के द्वारा ऑर्बिट की बात की गई, कक्षा की बात की गई। इनमें ये बताते हैं कि सभी ग्रह
सूर्य की परिक्रमा दीर्घ वृत्ताकार पथ में करते हैं, ठीक है, ये दीर्घ वृत्ताकार पथ की बात करते हैं। आगे जब बढ़ते हैं तो 1925 ईस्वी में, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में हम लोग देख रहे हैं, आगे 1925 ईस्वी में अमेरिकन वैज्ञानिक एडविन हबल, ठीक है, सर्वप्रथम 1925 ईस्वी में अमेरिकन वैज्ञानिक एडविन हबल नामक विद्वान ने बताया था कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, ठीक है, ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और अंतरिक्ष में दिखाई पड़ने वाला जो ब्रह्मांड है, अंतरिक्ष में जो ब्रह्मांड दिखाई पड़ रहा है उसका व्यास 250 प्रकाश वर्ष है, ठीक है, 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है। तो अंतरिक्ष का ब्रह्मांड जो है किसके द्वारा यह बताया गया था, तो याद रखिएगा यह एडविन हबल के द्वारा बताया गया था। बाद में यह भी बात बताते हैं कि ब्रह्मांड का क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है, ठीक है, ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, इसकी बात भी एडविन हबल के द्वारा बताई जाती है। और इनके द्वारा यह भी बताया जाता है कि दो गैलेक्सी के बीच की दूरी, दो आकाश गंगाओं के बीच की दूरी क्या हो रही है, निरंतर बढ़ रही है, ठीक है, तो दो आकाश गंगाओं के बीच की दूरी निरंतर क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो अब देखिए दूरी का बात आया, प्रकाश वर्ष का बात आया, तो प्रकाश वर्ष क्या है, दूरी का मात्रक है, याद रखिएगा प्रकाश वर्ष क्या है, दूरी का मात्रक होता है, ठीक है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10^15 मीटर होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा 9.46 × 10^15 मीटर होता है एक प्रकाश वर्ष में। आगे बात करते हैं पारसेक की बात की जाती है, ठीक है, पारसेक दूसरा जो यूनिट है, ठीक है, दूसरा जो यूनिट है दूरी का मात्रक जो है वो है आपका पारसेक। तो तारों के बीच अधिकतम दूरी का मात्रक क्या है, पारसेक है। तो दूरी या डिस्टेंस का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, पारसेक है। और एक पारसेक बराबर 3.26 लाइट ईयर होता है, वन पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, एक पारसेक बराबर 3.26 लाइट ईयर होता है। आगे हम लोग बढ़े, इसके बाद जो है यहीं पे देखिए आगे जब ये केपलर आते हैं उससे पहले क्या है, सूर्य केंद्रित संकल्पना क्या होती है, खत्म हो जाती है, ठीक है, क्योंकि सूर्य केंद्रित संकल्पना खत्म हो जाती है केपलर के बाद, उसके बाद एडविन हबल आते हैं। एडविन हबल के द्वारा यह बताया जाता है कि ब्रह्मांड का क्या है, विस्तार हो रहा है, ठीक है, लगातार विस्तार हो रहा है, यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है। और ये बताते हैं दो आकाश गंगाओं के बीच की दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है, दो आकाश गंगाओं के बीच की दूरी लगातार निरंतर क्या हो रही है, बढ़ रही है, इनके द्वारा बताया जाता है। तो उसी समय से केपलर से पहले क्या है, सूर्य केंद्रित सिद्धांत समाप्त हो जाता है, एक नया मोड़ लेता है, ठीक है, एक नया मोड़ लेता है। और उसके बाद जो है विस्तारित सिद्धांत की बात की जाती है, उसके बाद यहाँ पर एक साथ सम्मिलित रूप से कई सिद्धांत को देखा जाता है। तो सबसे ज्यादा सार्थक, ठीक है, किसको बोला जाता है इसके संदर्भ में, तो याद रखिएगा ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में सबसे ज्यादा जो है मान्यता प्राप्त, सबसे ज्यादा वैज्ञानिक बिग बैंग थ्योरी को माना जाता है। तो बिग बैंग थ्योरी भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, बिग बैंग थ्योरी को भी देखते हैं और उसके लिए डायग्राम भी हम आपको दिखा देंगे बिग बैंग थ्योरी का, ठीक है। ये देखिए जॉर्ज लेमेट्रे के द्वारा दिया गया था ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोटक सिद्धांत, 1930 ईस्वी की बात करते हैं, महाविस्फोटक सिद्धांत 1930 ईस्वी, बिग बैंग थ्योरी बेल्जियम के जॉर्ज लेमेट्रे, देखिए याद रखिएगा बेल्जियम के जॉर्ज लेमेट्रे नामक विद्वान ने दिया था, जॉर्ज लेमेट्रे नामक विद्वान के द्वारा दिया गया था। और महाविस्फोटक के पश्चात ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, इनके द्वारा यह बताया जाता है कि ब्रह्मांड में धूलकण विद्यमान था, ठीक है, प्रीमोर्डियल मैटर की बात की जाती है, प्रीमोर्डियल मैटर, ठीक है, आद्र पदार्थ की बात की जाती है, ठीक है, आद्र पदार्थ की बात की जाती है, ठीक है, प्रीमोर्डियल मैटर, प्री एग्जिस्टेड बोला जाता है, यह विद्यमान था और ये जो है एक सघन केंद्र पर था, एक केंद्र के पे था, लेकिन 15 से 20 बिलियन वर्ष पहले क्या हुआ, इसमें विस्फोट हुआ, ये जो सघन केंद्र था उसमें विस्फोट हुआ और इसके बीच जो है मैटर लगातार क्या है, एक दूसरे से दूर जा रहा है, इसके बीच की दूरी क्या है, बढ़ रही है। तो याद रखिएगा यह महाविस्फोट लगभग कब हुआ है, 3.7 अरब वर्ष पहले। तो ये सवाल आपसे पूछा जाता है कि
कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति 13.7 अरब वर्ष पहले हुई है, ठीक है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति 13.7 अरब वर्ष पहले हुई है, और लगभग 10 अरब वर्ष पहले तारों का उद्भव हुआ है, ठीक है। 10 वर्ष पहले तारों का उद्भव हो गया है। और हमारे ब्रह्मांड की यदि बात करें तो इसमें 100 अरब आकाश गंगाएं हैं, याद रखिएगा। गैलेक्सी यहाँ पे बात की जा रही है, आगे गैलेक्सी क्या है, तारों का समूह होता है, ठीक है। गैलेक्सी क्या है, तो तारों का समूह है। तो हमारे ब्रह्मांड में कुल गैलेक्सी की संख्या की बात करें तो कुल गैलेक्सी की संख्या 100 बिलियन है, 100 बिलियन है, ठीक है। अब बात करते हैं कि प्रत्येक जो आकाश गंगा है वो क्या है, असंख्य तारों का समूह है। प्रत्येक आकाश गंगा असंख्य तारों का समूह है, और इसके केंद्रीय भाग को बल्ज कहा जाता है, ठीक है। इसका केंद्रीय भाग जो है उसे बल्ज कहते हैं, और इस बल्ज के चारों ओर 3 घूर्णनशील भुजाएं हैं। इसके अंतर्गत 3 घूर्णनशील, वो हमारा सूर्य दूसरी भुजा पर स्थित है। तो गैलेक्सी की बात की जा रही है, गैलेक्सी से पहले निहारिका हम आपको बताते हैं, ठीक है। गैलेक्सी से पहले निहारिका बता देते हैं, ये देखिए आपको दिख रहा होगा जिस प्रकार से यह घूम रहा है, ठीक है। जिस प्रकार से यह घूम रहा है, ये है आपका निहारिका। तो प्रारंभ में निहारिका की बात की जाती है, क्या है निहारिका, तो धूल कण का बादल है, ठीक है। निहारिका क्या है, धूल कण का बादल है। प्रारंभिक अवस्था में जो धूल कण है या जो ब्रह्मांड है उसमें धूल कण का बादल था, उसे ही निहारिका कहा गया है, ठीक है। तो निहारिका क्या है, धूल कण का बादल है, ये याद रखना है, ठीक है। तो सब जो भी मैटर था वो धूल कण के रूप में था, निहारिका के रूप में था, और निहारिका क्या है, वो परिभ्रमणशील थी। जिस प्रकार से आपके स्क्रीन पे घूम रहा है उसी प्रकार से निहारिका घूम रही थी। घूमते 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 आप देखिए, कोई भी वस्तु यदि घूमता है, आप पानी टब में ले लीजिएगा या तो बाल्टी में पानी ले लीजिएगा, और एक डंडा लेकर यदि उसको आप घुमाते हैं तो देखिएगा कि जो भारी वाला वस्तु होगा वो केंद्र की ओर चला आएगा, भारी वाला तत्व केंद्र की ओर आ जाएगा और हल्का वाला तत्व तो बाहर आएगा। तो इसी प्रकार से इसकी बात करते हैं कि यह इस प्रकार से घूम रहा था, जो भारी वाला चीजें थी, भारी वाला तत्व था वो केंद्र की ओर चला गया और हल्का वाला बाहर की ओर है। तो दो लेयर की बात की जा रही है, ठीक है। दो लेयर में यह विभाजित है, बाद में ऊपर वाला जो इस ये जो सघन वाला केंद्र वाला भाग था वो सघन था, इसी से क्या है नौ गोला के रूप में छल्ला के रूप में बाहर निकला, उसी से ग्रह की उत्पत्ति हुई है। और सेंट्रल जो भाग है, केंद्रीय भाग जो था, उससे तारा बना है, यानी सूर्य का निर्माण हुआ है। तो सोलर सिस्टम का निर्माण इसी से हुआ है, निहारिका से ही होता है, और निहारिका को खगोलीय नर्सरी कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि बोला जाता है कि सभी ग्रह सभी तारे की उत्पत्ति निहारिका से हुई है, तो ये है क्या, ये है निहारिका, ठीक है। ये है आपका नेबुला, ये नेबुला है। तो बोला जाता है कि निहारिका से ही सभी ग्रह की उत्पत्ति हुई है, सभी तारे की उत्पत्ति हुई है। तो निहारिका को खगोलीय नर्सरी कहा जाता है, तो खगोलीय नर्सरी याद रखिएगा, ठीक है। खगोलीय नर्सरी किसे कहा जाता है, निहारिका को कहा जाता है। तो ये रहा आपका निहारिका। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गैलेक्सी। ये है आपका, देखिए गैलेक्सी, ये है आपका गैलेक्सी, ठीक है। तो गैलेक्सी क्या होता है, तारों का समूह होता है, ठीक है। गैलेक्सी तारों का समूह है। तो क्या है गैलेक्सी, देखिए गैलेक्सी क्या होता है, तो गैलेक्सी तारों का समूह है, गैलेक्सी तारों का समूह है,
तारों का समूह, और एक तारा नहीं असंख्य तारों का समूह है, ठीक है, असंख्य तारों का समूह है। और इसका जो केंद्रीय भाग होता है, ये जो केंद्रीय भाग है इसको गैलेक्टिक बल्ज कहा जाता है, बल्ज, केंद्रीय भाग को बल्ज कहा जाता है, ठीक है। और इसकी तीन घूर्णनशील भुजाएं होती है, इसकी तीन घूर्णनशील भुजा है ये देखिए, ठीक है। और निर्माण जो होता है तारे का बाहरी भुजा पर होता है, तो बाहरी भुजा पर तारे का निर्माण होता है, जैसे जैसे ये घूमता जाता है ये बाहरी भुजा पर जाएगा, अंत या केंद्रीय वाले भाग में समाहित हो जाएगा। तो एक जो नॉर्मल तारा है, सामान्य तारा की बात करें तो सामान्य तारे की आयु जो है, सामान्य तारे की आयु 10 बिलियन वर्ष मानी जाती है। सामान्य तारे की आयु 10 बिलियन वर्ष है, और 10 बिलियन वर्ष सूर्य कितना तय किया गया, 5 बिलियन वर्ष पहले बना है सूर्य जो है, 5 बिलियन वर्ष पहले बना है, तो 5 बिलियन तो पूरा कर चुका है 10 वर्ष में, तो यह मध्यवर्ती भाग में है, ठीक है। तो मध्यवर्ती भुजा पर सूर्य की अवस्थिति है। इसके अलावा कलर भी है, ठीक है, कलर जो है सूर्य का, ये तारे का कलर जो है उसकी अवस्था को बताता है, ठीक है, उसके पृष्ठीय ताप को बताता है। पीला तारा, ठीक है, इसका मतलब युवा तारा, ठीक है, पीला तारा मतलब युवा तारा। इसके अलावा लाल तारा, इसका मतलब मरने के अवस्था में पहुंच चुका है, ठीक है, मरने के अवस्था में पहुंचा है लाल तारा। तो आगे हम लोग इसकी भी चर्चा करेंगे, खैर अभी इतना याद रखें कि गैलेक्सी तक हम लोग देखे हैं, आगे हम लोग बढ़े। आगे देखिए, इसके अलावा क्या है, तारों का समूह, गैलेक्सी क्या आपको बताए, और हमारा सूर्य दूसरी भुजा पर है, मध्यवर्ती भुजा पर, ये आपको बता दिए। आगे ब्रह्मांड में 100 अरब आकाश गंगाएं हैं, जिसमें हमारी जो आकाश गंगा है, देखिए यहाँ पे मिसिंग हुआ है, ये गैलेक्सी यहाँ पे होता है, इंग्लिश शब्द है गैलेक्सी, हमारी जो गैलेक्सी है, हमारी जो आकाश गंगा है उसे मंदाकिनी कहा जाता है, ठीक है, हमारी आकाश गंगा जिसे मंदाकिनी कहा जाता है, यानी सौर मंडल किस गैलेक्सी का भाग है, जैसा कि आपको बताए थे, जैसा कि आपको ये वाला दिखाए हैं कि ये जो यूनिवर्स है, ये रहा पूरा यूनिवर्स, यूनिवर्स में है मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। तो हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है, मिल्की वे, हमारी आकाश गंगा का नाम है मिल्की वे, या तो इसी को क्या कहते हैं, मंदाकिनी कहते हैं, ठीक है, हमारी जो आकाश गंगा है उसे क्या कहते हैं, मंदाकिनी कहते हैं, ठीक है, मंदा। और सोलर सिस्टम किसका भाग है, इसी मंदाकिनी का भाग है, ठीक है, सोलर सिस्टम किसका भाग है, इसी का भाग है, और इसी पे तो सोलर सिस्टम के अंतर्गत अर्थ है, और इसी पर हम लोग हैं, तो ये याद रखिएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। हाँ सर जी, ठीक है, याद रखिएगा, मिल्की वे गैलेक्सी हमारी आकाश गंगा मंदाकिनी है, ठीक है। तो ये आपसे सवाल रहता है, और हमारी जो मंदाकिनी है इसको मिल्की वे के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, आकाश में देखने से, ठीक है, व्हाइट कलर का दिखाई पड़ता है, तो स्वर्ग की गंगा भी इसे कहा जाता है, ठीक है, स्वर्ग की गंगा भी इसको कहते हैं। आगे आकार इसका कैसा है, तो स्पाइरल है, सर्पिला का है, ठीक है, आकार भी पूछा जाता है, तो सर्पिला का है। आगे हम लोग बढ़े, देखिए मंदाकिनी कहा जाता है, मिल्की वे, इसे यूरोप में मिल्की वे कहते हैं, ठीक है, मिल्की वे कहाँ कहा जाता है, यूरोप में, हम लोग भी जानते हैं, ठीक है, यूरोपवासी के साथ रहे हैं, है ना, इसमें हुआ है। ठीक है, इसके बाद ग्रीक यूनान में गैलेक्सी के नाम, ग्रीक यूनान में क्या है, गैलेक्सी कहा जाता है। और चूंकि भारत के, भारत में सभी लोग आए हैं, ठीक है, यूनानी भी आए हैं भारत में, यूरोप भी आए हैं, तो हम लोग सब जानते हैं, मिल्की वे भी जानते हैं, गैलेक्सी भी जानते हैं। और हमारी आकाश गंगा का आकार कैसा है, सर्पिलाकार है, स्पाइरल आपको बताए, हमारी आकाश गंगा का आकार क्या है, सर्पिलाकार है। आगे बात करें तो हमारी आकाश गंगा का सबसे चमकीला एवं ठंडा तारों का समूह ओरियल, ओरियन नेबुला है, ठीक है, ओरियन नेबुला बोला जाता है, ओरियन नेबुला है। तो हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकीला और सबसे शीतल जो है तारों का समूह क्या है, तो ओरियन नेबुला है। आगे बात करते हैं, हमारी आकाशगंगा का सबसे निकटवर्ती आकाशगंगा कौन सी है, तो
हमारे आकाशगंगा की सबसे निकटवर्ती आकाशगंगा का नाम एंड्रोमेडा देवयानी है। तो देवयानी याद रखिएगा। और सूर्य हमारी आकाशगंगा की परिक्रमा लगभग 25 करोड़ वर्ष में पूरा करता है, ठीक है। सूर्य भी परिक्रमा करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, सूर्य अपने गैलेक्सी का परिक्रमा करता है। हर हर यहाँ पे एक चक्रीय व्यवस्था से जुड़ा हुआ आइंस्टीन के द्वारा बता दिया गया था, ठीक है। तो सूर्य गैलेक्सी का चक्कर लगाता है और सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ठीक है। सभी ग्रह तारे का चक्कर लगाते हैं, इसके अलावा सभी ग्रह का चक्कर उपग्रह लगाता है। तो एक चक्रीय व्यवस्था से सभी जुड़े हुए हैं। आगे बात करें, सूर्य पूरे आकाशगंगा की परिक्रमा यानी गैलेक्सी की परिक्रमा 25 करोड़ वर्ष में पूरा करता है, ठीक है। 25 करोड़ वर्ष में, और 250 किलोमीटर पर सेकेंड के रफ्तार से यह चलता है, ठीक है, घूमता है। तो याद रखिएगा, 4 करोड़ वर्ष में यह पूरा करता है। इसे ब्रह्मांड वर्ष के नाम, ये जो है 25 करोड़ वर्ष में पूरा करता है। कौन? सूर्य अपनी आकाशगंगा का परिक्रमा 25 करोड़ वर्ष में पूरा करता है। इसे ही कॉस्मिक ईयर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसे कॉस्मिक ईयर कहा जाता है। आगे देखें, इसे ही ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। आगे आइए, हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा साइरस है। याद रखिएगा, हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा साइरस है, ठीक है। सबसे चमकीला तारा साइरस है, जिसे डॉग स्टार भी कहा जाता है। तो सबसे चमकीला डॉग स्टार, याद रखना है, सूर्य से भी 20 गुना अधिक चमकीला है, ठीक है। याद रखिएगा, यह कितना गुना सूर्य से कितना गुना है, क्योंकि कुछ भी तुलना करते हैं, जो हमारे पास चीजें होती है उसी से तुलना करते हैं। तो सूर्य क्या है? पृथ्वी के सबसे करीबी तारा है, ठीक है। तारा तो बहुत है और बड़ा बड़ा तारा है, लेकिन सूर्य क्या है? सबसे नजदीक का तारा है, ठीक है। तो हम लोग जब भी तुलना की बात की जाती है तारे का, तो सूर्य से तुलना करते हैं, ठीक है। तो चमकीला सूर्य भी है और चमकीला क्या है? साइरस भी है। साइरस कितना चमकीला? सूर्य से 20 गुना अधिक चमकीला है, ठीक है। आगे हम लोग बात करें, पृथ्वी का सबसे निकटवर्ती तारा सूर्य है, ठीक है। पृथ्वी का सबसे निकटवर्ती तारा सूर्य है। पृथ्वी से लगभग 149.8 मिलियन बोला जाता है, ठीक है। 149.8 मिलियन लगभग, यदि बात करते हैं तो 150 मिलियन किलोमीटर दूर स्थित है, ठीक है। तो सूर्य पृथ्वी से 150 मिलियन किलोमीटर दूर स्थित होता है। और पृथ्वी का दूसरा निकटवर्ती तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। दूसरा निकटवर्ती तारा क्या है? प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सूर्य से 4.3 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, ठीक है। 4.3 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है प्रोक्सिमा सेंचुरी। आगे बात करते हैं, तारों के समूह को तारामंडल कहा जाता है। तारों के समूह को तारामंडल कहा जाता है। वर्तमान समय में 89 तारामंडल की खोज हो चुकी है, ठीक है। वर्तमान समय में यूनिवर्स में कितना तारामंडल है? तो 89 तारामंडल की खोज हो चुकी है। और सबसे बड़ा जो तारामंडल है, सेंट्रोस कहा जाता है, ठीक है। सबसे बड़ा तारामंडल सेंट्रोस है, जबकि दूसरा हाइड्रा है। दूसरा हाइड्रा है, जबकि सबसे छोटा तारामंडल क्रक्स ऑस्ट्रेलियस है। सबसे छोटा तारामंडल क्रक्स ऑस्ट्रेलियस है। तो याद रखिएगा, सबसे बड़ा सेंट्रोरस, ठीक है। दूसरा हाइड्रा, सबसे छोटा क्रक्स, ठीक है, क्रक्स ऑस्ट्रेलियस। सबसे बड़ा तारा अल्फा ओरियोलिस है। सबसे बड़ा तारा अल्फा ओरियोलिस है, ठीक है। सबसे बड़ा तारा अल्फा ओरियोलिस है, जबकि सबसे छोटा तारा न्यूट्रॉन स्टार है, ठीक है। सबसे छोटा तारा न्यूट्रॉन स्टार है। सबसे छोटा तारा आवाज है, सबसे छोटा तारा क्या है? न्यूट्रॉन है, ठीक है। सबसे बड़ा तारा अल्फा ओरियोलिस और सबसे छोटा तारा न्यूट्रॉन स्टार है, ठीक है। तो थोड़ा सा सेंट्रस को देख लेते हैं, बाकी आज के लिए बहुत है। ये देखिए सेंटोरस, सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस है। ये है आपका सेंटोरस, देख लीजिए। देखिए हम लोग किस तारामंडल में है, मंदाकिनी बताए तो।
ठीक है, ये देखिए सेंटारस है, ठीक है, यही सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा, सेंटारस है, ठीक है। दूसरा हाइड्रा है, सबसे छोटा क्रक्स निकोलस है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, आगे हम लोग बढ़ें, ठीक है। आगे हमारी आकाश गंगा के सेंटर में, हमारी आकाश गंगा में के सेंटर में स्थित सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण वाले केंद्र को कृष्णपिंड कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो हमारी आकाश गंगा है, हमारी जो गैलेक्सी है, उसका केंद्र में स्थित वैसा भाग, वैसा क्षेत्र जहाँ पर का गुरुत्वाकर्षण सबसे अधिक होता है, जो डेंस भाग होता है, उसे ब्लैक होल कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है जिससे कि प्रकाश भी बाहर नहीं जा सकता, इसे ब्लैक होल का नाम दिया गया है। और आपको बताए थे गैलेक्सी का जो केंद्रीय भाग है जिसे बल्ज कहा जाता है, गैलेक्सी का केंद्रीय भाग जिसे बल्ज कहा जाता है, और बल्ज वाले भाग में तारे जो हैं एक दूसरे के करीब करीब होते हैं, एक दूसरे के निकट निकट अवस्थित होते हैं, और इसके कारण क्या है, यहाँ पे डेंसिटी बहुत अधिक है, इतना अत्यधिक है कि इससे लाइट भी नहीं निकल पाता है, इसे ब्लैक होल कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा ब्लैक होल। अब देखिए ब्लैक होल, यह पिंड अपने आसपास के आकाशीय पिंडों को अवशोषित कर लेगा, ठीक है, अपने आसपास के आकाशीय पिंड को अवशोषित कर लेता है, और वह खगोलीय पिंड जो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करता है क्या कहलाता है, क्वैसर्स कहलाता है। तो क्वैसर्स क्या होता है, वैसा आकाशीय पिंड जो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करता है क्वैसर्स कहलाता है। हम आपको क्वैसर्स भी दिखा देते हैं, ठीक है, क्वैसर्स क्या कहाँ क्या है हम आपको दिखाते हैं। ये है आपका क्वैसर्स, ठीक है, वैसा आकाशीय पिंड जो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करता है क्वैसर्स कहलाता है। तो ये रहा आपका क्वैसर्स, ठीक है, तो वैसा आकाशीय पिंड जो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करता है क्वैसर्स कहलाता है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद आप सभी को, जोहार आप सभी को, ठीक है।